औरैया जनपद में खनन माफियाओं के दहशत से एक ग्राम प्रधान के पूरे परिवार ने घर के बाहर दरवाजे पर चस्पा किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। घर में कैद परिवार के लोग रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहे हैं। ग्राम प्रधान के पुत्र व हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने रोते रोते कहा कि मुझे इन दबंगों से डर लगता है, इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है। मेरे पेपर भी चल रहे हैं, मेरे घर वालों को धमकी दी जा रही है। मेरा कसूर इतना है कि मेरे पापा ने पुलिस की मदद की थी। दरवाजे के बाहर किए चस्पे में लिखा, योगी आदित्यनाथ जी मेरी मदद करो, खनन माफियाओं से परेशान हूँ, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना बंद किया, मेरा परिवार हुआ घर में कैद। औरैया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ ग्राम प्रधान ने अपने घर के सभी लोगों को कैद कर लिया है और घर के दरवाजे के बाहर चस्पा किया, जिसमें लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी मदद करें। औरैया जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र के शेरपुर सरैया गाँव के प्रधान उषा देवी ने अपने घर के बाहर मुख्यमंत्री से मदद मांगते हुए चस्पा किया है, क्योंकि ग्राम प्रधान के पुत्र और हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने रोते हुए बताया कि मेरे पिता का कसूर इतना है कि उन्होंने पुलिस की मदद की थी और यही वजह है कि खनन माफिया पुत्र और उनके कई साथी मेरे परिवार को धमकी देते हैं, इसी वजह से हमने स्कूल में जाना बंद कर दिया है। वही पीड़ित प्रधान पुत्र संग्राम सिंह ने बताया कि हमने पुलिस को यह सूचना दी थी कि पुलिस लाइन पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की और खनन को बंद कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद खनन माफियाओं ने ग्राम प्रधान के पुत्र संग्राम सिंह के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए राकेश कुमार, अखिलेश कुमार, आदेश, मंजीत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। वही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 151 का चलान किया। खनन माफियाओं के बाद हुई दोबारा कार्यवाही के बाद ग्राम प्रधान के परिवार को धमकी दी जा रही है, जिससे प्रधान के परिवार खौफ में है और जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री से मदद मांग रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने अपने घर के दरवाजे के बाहर चस्पा किया और लिखा, योगी आदित्यनाथ जी मेरी मदद करो, खनन माफियाओं से परेशान हूं, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना बंद किया, मेरा परिवार हुआ घर में कैद। मामला ये था, पुलिस लाइन की जमीन जो इन्होंने खनन किया, तो वहाँ और लोग आए, आ रहा है बुलाए हमको, ये मिट्टी आपके गाँव गई तो बताना पड़ा सबसे सर, बोले तुमने क्यों बताया, वाराई सामने इन पर मुकदमा कायम हुआ। उसके तीसरे दिन मैं अपने खेतों बैठा था ट्यूबवेल में, वहाँ चार लोग आए, राकेश, मंजीत, पुत्तीलाल, अखिलेश, चारों लाठी डंडों से एकदम हमला कर दिया पूरी तरह, गिरा दिया। वो तो एक दो लोग आ गए भी तो जान से मार देते। ये पोस्टर लगाएंगे इसीलिए लगाए, जान से मारने का अभी भी धमकी मिल रही है। हाँ। पर छोड़ेंगे नहीं किसी पीछे से। प्रशासन की तरफ से क्या अनुरोध, प्रशासन ने क्या, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस को सूचना देना हमको ये मिला है, परिणाम पुलिस को तो मेरी मदद करनी चाहिए। पुलिस लाइन की जमीन में खनन कर रहे थे, हमने बता दिया उसमें ही, बोले तुमने क्यों बताया, डरे हुए नहीं, पूरा घर सदमे में, बोले सबको मार देंगे जान से, बच्चों के अभी क्या हुआ, अभी देखो पूरा घर खत्म कर देंगे, जब देखे तो को बचाता है। हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम डर की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है कि हम सबको मार देंगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा, और मेरे पापा को भी बहुत मारा। क्या नाम है? नीति। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11। स्कूल नहीं जा रहे? जा रहे थे, लेकिन अब डर की वजह से कहीं नहीं है, मेरे भाई भी नहीं गए स्कूल, कोई नहीं जा पा रहा है, सब साइकिल से जाते हैं। वो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। क्यों लोग हैं? गांव के लोग हैं, पुत्तीलाल, पचोले, मुल्ले, ये लोग इलीगल काम किया है, तो मेरे पापा ने तो पुलिस की हेल्प की थी कि उनका, और पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही, हमको मदद चाहिए। छोटे